साइंस अनअकैडमिक साइंस में आपका स्वागत है। मैं आपको करवाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और त्रिकोणमिति चैप्टर से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन, टेंथ लेवल एग्ज़ाम, ट्वेल्थ लेवल एग्ज़ाम्स, तो इसलिए आते हैं। पहला चैप्टर करते हैं हम त्रिकोणमिति। पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमिति की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों की समस्त भुजों, त्रिभुजों की समस्त भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। अब देखो बच्चों, अब त्रिकोणमिति के फलन कितने होते हैं, त्रिकोणमिति के फलन, त्रिकोणमिति के फलन होता है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, फिर पांचवा होता है सेक थीटा और छठवां होता है कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं नोट, नोट वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि नोट में क्या क्या चीज आती है। अब हम त्रिकोणमिति को अब कितने भागों में, चार भागों में पढ़ेंगे, कितने भागों में, चार भागों में। अब है पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट ये हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट में हम दो चीज ध्यान रखेंगे, क्या होती है कि सबसे बड़े कोण किसमें, त्रिभुज में, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की, सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा, वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कर्ण, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि थीटा के सामने, समकोण को छोड़कर, समकोण को छोड़कर थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, हमेशा क्या होगी, लंब होगी। ये नोट आपको दोनों ध्यान रखने, पहला क्या है कि त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जैसे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। दूसरा क्या है कि थीटा यानी कोण, थीटा यानी क्या होता, कोण, कोण के सामने यानी समकोण को छोड़कर कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी,
लंब होगी। फिर हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। यहीं से सूत्र स्टार्ट होंगे सारे। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? यह सूत्र आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो क्या है सूत्र? कौन सा? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, ऐसे आपको सारणी बनानी है। ये होता है त्रिभुज। कौन सा? ए बी सी। ये समकोण है, तो समकोण के सामने जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या है? कर्ण। कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? लंब। लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? आधार। क्या है बच्चों? आधार। तो आधार को हम करें करते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? टेन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? कोट थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? सेक थीटा। और यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। ये पढ़ेंगे। ये होता है सूत्र लाल बट्टा कक्का। ये आपको सारणी ध्यान रखनी है। ये भुजा कौन सी है? लंब। ये कौन सी है? आधार। ये कौन सी है? कर्ण। अगर ऐसा ही त्रिभुज ऐसा हो, ऐसा त्रिभुज एबीसी है, अगर थीटा यहाँ हो, कहाँ हो? यहाँ हो थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब। फिर ए को आधार मान लो, इसको आधार मान लो, या इसको कर्ण मान लो, और ये क्या होगी? आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब आगे पढ़ते हैं। देखो इस सूत्र से सारे सूत्र निकालते हैं। फिर अब सबसे पहले पढ़ेंगे साइन थीटा। हमने पढ़ा था लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, ये साइन, ये कॉस, ये टेन थीटा, ये क्या है? कॉट। ये क्या है? सेक। और ये क्या है? कोसेक थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा भी क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा। फिर दूसरी बात, साइन और कोसेक दोनों आगे, फिर किसकी बात? कोश की बात। कोश थीटा। कोश थीटा का उल्टा कौन सा है? कोश का उल्टा जस्ट कौन सा है? सेक थीटा। तो यह आएगा सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कोश थीटा। फिर तीसरी बात, तीसरी बात क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एक बटा कोट थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा टेन थीटा। यानी साइन कोसेक, कोस सेक और टेन कोट, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। क्या क्या होते हैं? व्युत्क्रम। फिर अगला सूत्र पढ़ेंगे हम सार नंबर के। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के। तो सबसे पहले एल की बात, के की बात, और ए। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है बच्चों? आधार। क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। फिर अब कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? जस्ट इष्ट का उल्टा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। फिर पांचवा फॉर्मूला क्या है? कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और कोस किसका उल्टा है? जस्ट सेक थीटा का। तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर छठवां फॉर्मूला, फिर
फिर छठवां फॉर्मूला कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधा, लाल बट्टा का लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। ये प्रदर्शित करने एल के और ए को। तो क्या है बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये आपको रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। फिर दूसरी बात कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक बटा कोस थीटा। फिर तीसरी बात क्या है कि टेन थीटा बराबर वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये फॉर्मूला साइन वाला, कोस वाला और टेन वाला, ये ध्यान रखना है कि साइन कोसे का उल्टा आता है, कोस से का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, बस इतना ध्यान रखना। बाकी साइन और कोसे का आपस में चेंज हो सकते हैं, कोस और से का आपस में चेंज हो सकते हैं, और टेन और कोट आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर तीन फॉर्मूले ये याद रखने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण, फिर दूसरा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण, तीसरा क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एडजस्ट इनके उल्टे कोसेक थीटा, इसका उल्टा करण बट कोसेक थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, जस्ट इसके उल्टा कर दो बस, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का क्या है कि यदि कोश थीटा इज इक्वल टू क्या हो, चार बटे पांच हो, तो यदि कोश थीटा इज इक्वल टू चार बटे पांच हो तो किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। अब हम क्या जानते हैं, दिया हुआ क्या है कि कोश थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, चार बटे पांच। कोश थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से सूत्र होता है आधार बटे करण। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे सब, इससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं, इससे पहले क्या पढ़ते हैं जो आपके लिए क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मान उसी से निकलेंगे। इससे पहले पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के कितने फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, कितने तीन फॉर्मूले आपको, वैसे तो एक फॉर्मूला ही है और उसी से कितने फॉर्मूले बने, दो फॉर्मूले बने। पहला कौन सा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, अगर हमें कर्ण का मान है निकालना है तो आधार का वर्ग करेंगे और लंब का वर्ग करके दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। अगर हमें आधार स्क्वायर निकालना है, यानी आधार का मान निकालना है, किसका मान निकालना है आधार का, तो कर्ण स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, लंब स्क्वायर को, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर अगला देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा सूत्र क्या है, अगर हमें लंब का मान ज्ञात करना हो, किसका मान ज्ञात करना हो लंब का, तो कैसे करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो ये सूत्र आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी सूत्र पर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, तो ये सूत्र आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार इन सूत्रों को देख लो और ढंग से पढ़ लो।
बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये पहला टाइप है, टोटल चार भागों में किया है, लेकिन चार से पांच हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। पांच भागों में हमने त्रिकोणमिति को डिवाइड किया, सारे आसान आसान क्वेश्चन आएंगे और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, चार बटे पांच। अब सबसे पहले लाल बटे कक्का से सूत्र निकालेंगे, लाल बटे कक्का, हमें साइन कॉस और टेन याद रखना है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो कॉस है तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये आपके दिया हुआ है। हमें मान चाहिए किसका, लंब का, तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में दर्शा देते हैं क्या है त्रिभुज में, ए बी सी, ये आधार है, आधार का मान कितना है चार, कर्ण का मान कितना है पांच, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है पांच, यानी पांच का स्क्वायर, आधार का मान माइनस का चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर कितना पच्चीस, चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह, पच्चीस में से सोलह गए तो कितना है नौ, क्या है नौ। अब हमें किसका मान ज्ञात करना, लंब का, तो लंब का मान कितना आएगा तीन, क्योंकि अगर यहाँ क्या आ जाएगा लंब का मान, यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, नौ का वर्गमूल कितना होता है तीन, तो यहाँ कितना मान आ गया तीन। हमें किसका मान निकालना है, कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो जस्ट साइन का उल्टा है तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको हम मिटा देंगे बस, कर्ण बटे लंब है तो कर्ण का मान कितना है पांच और आधार का मान कितना है तीन। हमें कोस का मान दिया हुआ है, कोसे का हमने मान निकाल लिया, अगर यहीं से हमें साइन थीटा का मान पूछे तो कोसे का जस्ट क्या होता है उल्टा होता है, कितना हो जाएगा तीन बटे पांच। अगर हमें सेक थीटा का मान पूछे तो सेक तो क्या होता है कोस का उल्टा, तो पांच बटे चार। ठीक है बच्चों, अगर आपको पूछ ले, क्या पूछ ले, किसका मान पूछ ले, टेन थीटा का मान पूछ ले, इसी सूत्र से अगर आपको टेन थीटा का मान पूछ ले तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है तीन और आधार का मान कितना है चार। अगर आपको कोट थीटा पूछे तो कोट इसका जस्ट उल्टा है कोट टेन का, तो कितना हो जाएगा चार बटे तीन। तो आपको अब तीन मान निकालने, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, कोसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कोट थीटा। अगर साइन का मान, साइन थीटा का मान कितना आए तीन बट्टा पांच आए, हमें किसका निकालना है कोसेक, तो कोसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा पांच बटे तीन, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा पांच बटे तीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो फिर, फिर हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। यदि कोस थीटा बराबर एक बट्टा तीन हो, यदि कोस थीटा बराबर एक बट्टा तीन हो तो, तीन हो तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करो, क्या करना है मान ज्ञात करो। अब सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है वो हम त्रिभुज में दर्शाएंगे, एक हमने त्रिभुज बना लिया ये। अब सबसे पहले कोस थीटा दिया एक बटा तीन, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। अब देखो आधार का मान कितना है एक, कर्ण का मान कितना है तीन, लंब का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ये त्रिभुज कौन सा है एबीसी समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों,
माना समकोण त्रिभुज है, नहीं माना समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, लंब का, यानी सबसे शॉर्टकट तरीका, सबसे एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तीन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, नौ माइनस एक कितना हो गया आठ, और आठ का वर्गमूल कितना होता है दो अंडर रूट है दो, तो लंब का मान कितना आ गया बच्चों, दो अंडर रूट है दो आ गए। अब सारे मान आसान निकालना, इस त्रिभुज से आप सारे मान निकाल सकते हो। सबसे पहले साइन थीटा का मान, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा एक कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया हुआ है दो अंडर रूट दो, बटे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है तीन, पहला ये निकाले। दूसरा हमें क्या चाहिए, पहला साइन थीटा निकाल, दूसरा क्या चाहिए टेन थीटा, क्या चाहिए टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है बच्चों देखो, लंब का मान तो है दो अंडर रूट दो और आधार का मान कितना है एक ही। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या चाहिए हमें साइन थीटा प्लस है टेन थीटा, साइन थीटा प्लस है टेन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है दो अंडर रूट दो बटे तीन प्लस दो अंडर रूट दो बटे एक, इसका लघुत्तम दिया कितना है तीन, तीन को एक से गुणा करेंगे एक, एक से भाग देंगे तो दो अंडर रूट दो, प्लस इसको किससे गुणा कर देंगे तीन से, तीन गुणा दो अंडर रूट दो, तीन और एक कितने हो गए चार, चार गुणा दो अंडर रूट दो बटे तीन, यानी चार दूनी आठ अंडर रूट दो बटे तीन, ये मानेगा आपके एग्जैक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ मान कितना दिया हुआ तीन दिया हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है कि फाइव टेन थीटा इज इक्वल टू किया दिया हुआ है चार हो तो, मान किसका याद करना फाइव साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, फाइव साइन थीटा माइनस का थ्री कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस का टू कोस थीटा, हमें किसका मान दिया हुआ है टेन थीटा का, किसका मान दिया हुआ। इस प्रश्न को आप कितने तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, कितने तरीके से दो तरीके से। सबसे पहले यहाँ सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पांच इसके गुणा में इधर जाएगा तो बाद में, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा चार बटे पांच, क्या आएगा चार बटे पांच आएंगे। ठीक है, दो भाग, पहला भाग और दूसरा तरीका, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीके से हमने टेन थीटा का मान क्या है चार बटे पांच, यानी लंब बटे क्या है आधार, हमें कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण का मान कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी पांच का स्क्वायर प्लस का चार का स्क्वायर, पच्चीस प्लस का सोलह, पच्चीस और सोलह कितने हो गए बच्चों कर्ण का स्क्वायर, पच्चीस और सोलह कितने हो गए इकतालीस, कितने हो गए इकतालीस, इसका मान कितना आ गया कर्ण का मान कितना आ गया, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर इकतालीस और कर्ण बराबर कितना हो गया अंडर रूट का इकतालीस, अंडर रूट के इकतालीस। ठीक है बच्चों, अब हमें किसका मान निकालना है साइन थीटा का, तो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे एक ए बी सी, अब देखो कर्ण का मान कितना है अंडर रूट इकतालीस,
लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 5। यहाँ से हम साइन थीटा का मान भी निकालेंगे और कॉस थीटा का मान भी निकालेंगे। दोनों का मान निकाल के किस में रख देंगे, इसमें। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। कैसे? अगर कंपटीशन लेवल का एग्जाम है तो फिर शॉर्टकट तरीके से, अगर आपको टेंथ लेवल के हिसाब से या ट्वेल्थ लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है तो फिर आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर दूसरा तरीका क्या? अब देखो, हमें सीधा हमें यह ज्ञात करना है, तो यहाँ हमें 10 बनाना है। यहाँ क्या हमें बनाना? 10। अगर मैं इस फॉर्मूले में सब में कॉस थीटा का भाग दे दूँ, कैसे कि 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, इसमें भी अगर मैं कॉस थीटा का भाग दे दूँ, इसमें भी मैं अगर कॉस थीटा का भाग दे दूँ, भाग तो पूरे में लगेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सब पूरे में किसका भाग दे दूँ? कॉस थीटा का भाग दे दूँ। किसका भाग दूँ? कॉस थीटा का भाग देने पर। अगर मैंने कॉस थीटा का क्या दे दिया? भाग दे दिया, तो क्या करेंगे? यहाँ क्या बन जाएगा? साइन बटे कोस क्या होता है, सूत्र क्या होता है? अब एक सूत्र और बता देता हूँ आपको, नया सूत्र, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा इसका जस्ट उल्टा है, तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको सूत्र आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया यहाँ पे? ये क्या बन गया हमारे? टेन थीटा। क्या बन गए? टेन थीटा। ये कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ इसका मान कितना आएगा? 1। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ साइन से ये क्या बन गया? टेन थीटा। और ये आपस में दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कोस थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ 2 बचा, नीचे क्या बचा? टेन थीटा प्लस का 2, टेन थीटा प्लस का, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, टेन थीटा प्लस 2। अब हमारे मान सीधा मान दिया हमारे पास, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास? 4/5। यहाँ मैं 4/5 रख देता हूँ, 5 गुना टेन थीटा से मान की तरह, तो 4/5 माइनस का 3 बटे, इसका मान भी कितना? 4/5 प्लस का 2, ठीक है। यहाँ 5 गुणा में 5 का 5 में भाग कितनी बार गया? 1 बार। यहाँ कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। 4 माइनस 3 नीचे क्या है? 4/5 प्लस 2/, कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। अगर 4 में से 3 गया तो 1, इसका लघुतम कितना आया? 5। 5 का 5 में भाग कितनी बार गया? 1 बार। तो यहाँ 4, 1 का भाग 5 में 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो उत्तर क्या आएगा? 5/14 आंसर आएंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 5/14। ये देख लो एक बार। आपको अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे, ये तरीका सबसे क्या है? बेस्ट तरीका है। क्या सबसे बेस्ट? अगर इसको आप शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट करना चाहो तो सीधा भाग दो यहाँ पे, क्या सरकोस ये आपस में कैंसिल, तो क्या बचा? 5/10 माइनस का 3/10 प्लस का 2। सीधा यहाँ से 10 थीटा का मान कितना है? 4/5। ये 10 थीटा का मान आपको क्या करना? सीधा मान रखना बस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? चौथा प्रश्न कि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो क्या करना है? साइन हो तो साइन थीटा माइनस का 2 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस का 2 कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का क्या करना है आपको? मान ज्ञात करना। क्या करना है? मान ज्ञात करना। अब सबसे पहला तरीका, हमने कोट थीटा बराबर किया 1,
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लम बटे आधार। और कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लम। हमारे पास तो मान एक ही, एक बटा एक, एक बटा एक अगर नहीं है तो हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर। एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, एक प्लस एक क्या हो गया? दो। तो कर्ण का मान कितना आ गया? अंडर रूट का दो आ गया। फिर हमने एक त्रिभुज बनाया, उसमें क्या करेंगे? दर्शा देंगे कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट दो, आधार का मान भी एक, लंब का मान भी एक। और इसे त्रिभुज से हम क्या करेंगे? साइन थीटा के मान भी निकाल लेंगे, कोस और कोस थीटा के मान भी निकाल लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? सीधा शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका शॉर्टकट अपनाएंगे? हम इसमें किसका, हमें क्या बनाना है? कोट बनाना है। अगर मैं इसमें कोस का भाग दूं, तो यहाँ कोस नीचे, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? साइन बटे कोस। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। हमें टेन थीटा नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है? कोट थीटा। तो हम भाग किसका देंगे? कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। हमें भाग किसका देना है? साइन थीटा का भाग देना है। किसका देना है? साइन थीटा का। तो हम क्या करेंगे? किसका भाग दें? साइन थीटा का भाग देंगे इसमें। तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस का टू कोस थीटा बटे साइन थीटा फिर बटा, इसमें साइन थीटा में किसका भाग देंगे? साइन थीटा का भाग दिया, प्लस थ्री कोस थीटा में भी किसका भाग दे दिया मैंने? साइन थीटा। ये साइन और साइन आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहाँ कितना बचा? एक। यहाँ पर भी कितना बचा? एक। कितना बचा? एक बचा। क्या देखो, यहाँ कोस बटे साइन क्या बन गया? कोट। क्या बन गया? कोट। तो वन माइनस टू कोट थीटा बटे वन प्लस थ्री कोट थीटा, ये बचा। फिर देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार देख लेना वापिस, वीडियो ऑन करके वापिस रिपीट कर लेना एक बार। तो वन माइनस का टू कोट थीटा बटा वन प्लस थ्री कोट थीटा। हम कोट थीटा का मान तो कितना दिया हुआ? सीधा सीधा कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ? एक दिया हुआ। तो वन माइनस दो एक रख दिया, यहाँ पे वन प्लस थ्री एक रख दिया, वन माइनस टू और वन प्लस थ्री, वन माइनस टू गया तो माइनस एक बटे चार। ये आपके क्या है? आंसर है माइनस एक बटे चार। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बटा बी हो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो? ए बटा बी हो, तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा का क्या करो? मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। साइन थीटा गुणा कोस थीटा का क्या करना है? मान ज्ञात करना। अगर टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? ए बटे बी, यानी सूत्र हमने क्या बढ़ा? लाल बटे कका से लंब बटा आधार। तो एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। लंब का मान क्या दिया हुआ? ए। आधार का मान क्या है? बी। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार का मान है, आधार का मान है, लंब का मान है, कर्ण का मान है, तो सारे मान निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना? सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है? लंब का मान ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? फिर हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का
स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कर्ण का मान क्या दिया हुआ, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या दिया रखा कि ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर गुणा कॉस थीटा का मान क्या दे रखा, बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट और अंडर रूट वाली दोनों संख्याओं को गुणा करें तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और ए और बी को गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी, बट इन दोनों में से अंडर रूट हट गया तो नीचे बचा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे क्या है, आंसर है। अब मैं आपको एक बार सारे सूत्रों का रिवीजन करवा देता हूं, जो पहले भाग के सूत्र है, पहले भाग के सूत्र है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, लाल एल ए एल के ए, यह आपको क्या ऐसी सारणी बनानी है। इस सारणी से पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा। दूसरी बात क्या रखनी कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। और तीसरी बात क्या ध्यान रखनी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कोट थीटा, वन अपॉन कोट थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का, ये किसका है कोस थीटा का, ये किसका है टेन थीटा का, ये किसका है कोट थीटा का, ये किसका है सेक थीटा का, और ये किसका है कोसेक थीटा का। अब देखो यहां से अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालें, कोसेक जस्ट किसका उल्टा है, साइन का, कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा। यहाँ अगर मैं सेक थीटा का मान निकालूं, सेक थीटा बराबर क्या था, वन अपॉन कॉस थीटा। अगर तीसरा निकालूं मैं किसका, कॉट थीटा का, तो वन अपॉन क्या होता है टेन थीटा, वन अपॉन क्या होता है टेन थीटा। यह आपको सूत्र एक बार सारी याद करने। अब देखो ये सूत्र तो आ गया, इसके बाद में सूत्र कौन से, इस सूत्र वाले, हमें साइन थीटा का मान निकालना। यहां सबसे पहले देख लो एल ए के, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब क्या होता है आधार, और के का मतलब क्या होता है कर्ण। ये त्रिभुज बना के दिखा देता हूं मैं, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ कितने डिग्री कोण, 90 डिग्री का। ये त्रिभुज मैंने ए बी सी मान लिया, ये क्या कौन सी भुजा है कर्ण, कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं, ये कौन सी भुजा है लंब, ये एल से, ये कौन सी आधार, तो आधार को हम किससे प्रदर्शित करेंगे ए से, किससे प्रदर्शित करेंगे ए से। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, यह पहला सूत्र। दूसरा होता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तीसरा सूत्र कौन सा होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कोट थीटा है, इसके बाद हम चौथी बात करते हैं, किसके बात करते हैं कोट थीटा की, कोट थीटा जस्ट टेन का उल्टा है, तो आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। फिर पांचवा बारी आती है सेक थीटा की, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। फिर छठवां होती है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, किसका उल्टा होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब, यानी कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, किसका होता है साइन का, कर्ण बटे लंब। ये सूत्र आपके ध्यान रखना है आपको। फिर अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं।
फिर एक और सूत्र देखो, एक और सूत्र कौन सा है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर दूसरा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट सूत्र पहला और दूसरा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो, अब आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मैं एक बार आपके सारे सूत्रों का रिवीजन करवाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से पढ़ें। पहला क्या है, पहला है कर्ण का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण का मान निकालना है, त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा निकालनी है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला में निकालना, कर्ण का मान निकाल लिया हमने, अब बचा आधार। अगर हमें आधार का मान निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर एक सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। यानी केवल इसी फॉर्मूले में बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, और बाकी दोनों में यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। और आधार का मान निकालना हो चाहे लंब का मान निकालो, दोनों में सामने वाली भुजा, कर्ण की भुजा बड़ी वाली सामने आएगी और जो छोटी है वो बाद में आएगी। तीसरा हमें क्या मान निकालना है, लंब का मान निकालना है, लंब का स्क्वायर निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण आ गया, लंब आ गया, पीछे क्या बचा आधार, तो आधार का स्क्वायर। एक बार ये सूत्र आपको क्या करना है, रिविजन करना है, एक बार ये सूत्रों को देख लो। ये सूत्र देखने के बाद ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और क्वेश्चन अगर महत्वपूर्ण लगे, ये भाग अगर आपको अच्छा लगे, महत्वपूर्ण लगे एग्जाम की दृष्टि से, तो प्लीज सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, फिर क्या करना है, शेयर करना है, फिर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर क्या करना है, कमेंट करना। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे।